नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। यहां आप सभी के साथ बात करने वाला हूं कल के बाजार के बारे में कैसा रह सकता है। ग्लोबल मार्केट से बड़े दमदार संकेत आ रहे हैं, स्पेशली यूरोप से, और यूएस भी अच्छा कर रहा है, बट एशिया पैसिफिक थोड़ा सा मिला जुला है। गिफ्ट निफ्टी हल्का लाल निशान में ट्रेड कर रही है और FIDI का डेटा आज थोड़ा सा मिक्स है, कुछ खास संकेत नहीं है, मतलब नेगेटिव पॉजिटिव में मिक्स नहीं, छोटा डेटा है तो इंटरेस्टिंग नहीं बन रहा है। स्टॉक्स आपके लिए एक्शन में चली रहे हैं, डेली बेसिस पे कोई ना कोई है, लेकिन कल है वीकली क्लोजिंग और अपने आप में इंटरेस्टिंग हो जाती है क्योंकि परसों यानी कि सैटरडे को आई थिंक GST काउंसिल की 57th मीटिंग है दोस्तों, जिसको लेकर बड़ी चर्चाएं हो रही हैं इस समय, क्योंकि जीएसटी का अनुमान ये है इस बार कि जीएसटी काउंसिल की बैठक में फर्टिलाइजर से जीएसटी हटा दिया जाएगा। इसी के चलते RCF, चंबल और फैक्ट रॉकेट हुए पड़े हैं। आज 20% के सर्किट भी लगे हैं, फैक्ट तो 2-3 दिनों से भाग रहा है, वैल्यूएशन टर्म्स में रॉकेट हो गया है फैक्ट का शेयर इस समय और बड़ा महंगा दिखने लगा है अब ये। प्लस गेमिंग एंड कैसिनोज के स्टॉक्स पे भी बड़ा फोकस है। स्टॉक्स क्या है, एक ही स्टॉक बोलूंगा, वो है डेल्टा कॉर्प। डेल्टा कॉर्प की बात करें तो इसमें भी बड़ा शार्प एक्शन देखा है ऊपर की तरफ। आप सभी ने ये सोच रहे हैं कि शायद रिव्यू होगा या 28% का टैक्स और कुछ छूट मिल जाए हमें, और छूट मिलेगी तो पॉजिटिव है। तो अब क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो शनिवार को पता चलेगा, लेकिन शनिवार को बाजार नहीं खुलता, बाजार खुलेगा मंडे। तो आपको कल डिसाइड करना है कि मैंने क्या करना है अपने स्टॉक में, प्रॉफिट बुक करना है, शांति से रिलैक्स होकर सुनना है, रिस्क लेके जानी है, क्या करना है। तो मेरा व्यू ये है दोस्तों, ऑलरेडी तेजी बन गई है, पॉजिटिव आया तो एक अपटिक और आ सकता है, लेकिन उसके बाद न्यूट्रल हो जाना है। अगर नेगेटिव आया तो टूट बढ़ा सकते हैं, तो प्लस माइनस में देखो तो माइनस ज्यादा दिख रहा है मेरे को, तो आपको हल्का प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए मेरे हिसाब से, हल्की पोजीशन कैरी कर ले जाओ, दैट्स इट। फ्रेश एंट्री बनानी नहीं चाहिए इतनी बड़ी रिस्क से पहले। अब आ जाता हूं मैं एक एक करके चीजों को कवर करते हुए। पहले ग्लोबल मार्केट से शुरुआत करता हूं। ग्लोबल में सबसे पहले देखेंगे एशिया। एशिया में निकाई फ्लैट टू पॉजिटिव है, केवल 0.16% अप है, और संघाई में 0.5% की गिरावट है, तो ये नेगेटिव है। हैंगसेंग भी 0.5% नीचे दिख रहा है, तो ये और ज्यादा नेगेटिव है। अगर यूरोपियन मार्केट की बात करें तो यह दमदार एक्शन है दोस्तों, फिटसी 0.5% ऊपर, 0.76% अप है, डेक्स 1% की तेजी, तो मजा आ गया। कैक तो भैया 1.5% रॉकेट हुआ पड़ा है, तो यूरोप के मार्केट में अच्छी तेजी है। वहीं यूएस में देखा जाए तो फ्लैट है, कुछ भी नहीं हो रहा, और विक्स बिना बात के 5.5% ऊपर है। देखो डाउ जोन्स 60 पॉइंट ऊपर, केवल नेस्डेक 5 पॉइंट ऊपर, S&P 500 5 पॉइंट, रसेल 2000 1.5% ऊपर है, तो पूरा मार्केट फ्लैट टू पॉजिटिव है। लेकिन विक्स क्यों चल गया ये समझ नहीं आ रहा, 5.5% विक्स ऊपर दिख रहा है इस समय अमेरिका का। और गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो हल्का नेगेटिव ट्रेड कर रहा है 23,540-23,545 के करीब, तो कुछ खास संकेत वहां से भी नहीं आते हुए दिख रहे हैं। FIDI का डेटा, FIIs 325 करोड़ की मात्र सेलिंग करके गए हैं और DIIs 415 करोड़ की मात्र बाइंग करके गए हैं। टोटल फिगर बताऊं तो DIIs 325 करोड़ की सेलिंग करके गए हैं और FIIs 415 करोड़ की बाइंग करके गए हैं, ये तो नेट है। टोटल देखा जाए तो DIIs 12,564 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 12,890 करोड़ की सेलिंग कर दी, और नेट निकल के आया -325। FIIs 16,277 करोड़ की बाइंग करी, जिसके सामने 15,861 यानी 15,861 करोड़ की सेलिंग कर दी, नेट फिगर निकल के आया 415 करोड़ का प्लस में पॉजिटिव बाइंग के साथ। तो ये FIIs का डेटा है। कल स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन बहुत भरपूर है और IT सेक्टर मेरे को लगता है कल सेक्टर ऑफ द डे हो सकता है, क्योंकि एसेंचर ने कमाल कर दिया है, तो ये मेरे को IT के लिए थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है। और इस पर मैंने काफी वीडियो बना दिया आज, तो अब ज्यादा बार बार डिस्कस करने की मेरे को नहीं लगता कि जरूरत है हम लोगों को। आगे बात करें तो यूनियन बैंक, जेएम फाइनेंशियल को लेकर कुछ इंटरेस्टिंग है। सेबी ने कहा है कन्फर्मेटरी ऑर्डर इन मैटर ऑफ जेएम फाइनेंशियल शैल नॉट एक्ट एज लीड मैनेजर इन एनी पब्लिक इशू ऑफ डेट सिक्योरिटीज टिल 31 मार्च 2025 और अदर डेट स्पेसिफाइड बाय सेबी। बड़ा नेगेटिव लगता है मेरे को ये क्रैश करवा देगा स्टॉक को, अगर मतलब लग रहा है 5-10% कल जेएम फाइनेंशियल खत्म होना चाहिए इस खबर के चलते, बड़ा नेगेटिव लग रहा है। ये पार्टी नहीं कर सकते अब लीड मैनेजर का, ये रोल ही प्ले नहीं कर पाएंगे, तो ये
पर इनका इससे रेवेन्यू बहुत कम आता था, बट जो भी आता था वो तो नहीं आएगा ना आप, तो दिक्कत लग रही है मेरे को दोस्तों। जेएसडब्ल्यू इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पॉजिटिव है, जेएसडब्ल्यू पोर्ट के साथ जेएसडब्ल्यू कंपनी इनकॉर्पोरेटेड जेएसडब्ल्यू पोर्ट लॉजिस्टिक, तो पोर्ट लॉजिस्टिक इन्होंने एक बना दिया है। एनएससीएल के लिए कुछ खबरें हैं, नेस्ले के लिए 8 जुलाई को मीटिंग है बोर्ड डिविडेंड को लेकर, और प्लस 25 जुलाई को इनके रिजल्ट्स भी आने वाले हैं क्वार्टर वन के। तो ये सारे स्टॉक हैं जो कल हमें रडार पे रखने चाहिए। होप आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।